Good morning, everyone! Hello, hello! Welcome back to our channel! Dosto, कल आपको पता ही होगा हम 3 बजे सोए थे और ये देखो शर्मा जी ने थोड़ा थोड़ा काम किया और उसके बाद दोबारा 3 बजे कोई नहीं से 3:30 सोए थे, उठा ही नहीं जा रहा। और मेरे ना कान में इतनी दर्द हो रही है, मिसेस गिल ने कुछ सरसों का तेल गर्म करके डाला है, मेरी बैंड बजी पड़ी है और मैं इसको कह रही हूँ उठ, कॉफी कूफी बना देती हूँ तुझे, उठ जा। गाय टांगे ऐसे जवाब देगी ऐसे। और अभी 2 बजे उसको मस्टैंग भी वापस करने जाना और बहुत मजा आएगा चला गया, बट ऐसे थका हो जैसे ट्रैक्टर चला के आया हो। अमेजिंग कार। अभी रिव्यूज लेने हैं फ्यांशु से कि क्या सोचता है फिशी। रिव्यू एक ही है ले ले फिर नया मॉडल 2023। गाइस एक्चुअली मस्टैंग का क्या जो आउटर लुक है ना वो 10 साल बाद चेंज होती है, तो अब इनकी 60th कुछ एनिवर्सरी है तो अब नई मस्टैंग आ रही है। अच्छा, 1 महीने तक जैसे मैंने आपको बताया था। जितना सॉफ्टवेयर कैसा है, ओए होए क्या बना है गाइस, मुझे तो मजा ही आ गया। और मम्मा पता है, मम्मा पता कैसे रिएक्ट कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ सुन 20 मिनट हेलो हेलो इसको सोना नहीं देने कुकू में समझ, तेरी शादी ना तू है जवान बच्चा। मैंने भी गाइस 3:30 बजे सोया हूँ और आए जवान बच्चा, हम दोनों की एज सेम है फेस। बाबू उम्र तो जस्ट अ नंबर, बाबू एज जस्ट अ नंबर होता है, उम्र इज जस्ट। मैं तो ऐसे भी लगा जैसे पोस्टमार्टम हो रहा है। उठ जा कुकू, 20 मिनट हकी करके सोते फिर दोनों उठ जाएंगे। नहीं बेटा जी मेरा तो काम है, अप्पा तो बिल्कुल भी नहीं, मेरा इतना काम है तुझे बता नहीं सकते। हकी करके सोते 20 मिनट नहीं, नो मेरे को लिए भी नहीं थी ब्लॉग में, नाम का लिए नो। अच्छा माँ की ममता थी तो आज प्लीज मेरे उठ के करना, मेरी किससे रिपोर्टिंग है भाई, नौकरी वाले को उठो मेरे को। मैंने वर्क फ्रॉम होम ले लिया था, मैंने बोला कि भाई गाइस आई एम हैविंग हेडेक, आई एम गोना वर्क फ्रॉम होम। सच में मेरा बुरा हाल हो गया था, सुबह मुझसे उठा नहीं जा रहा था। ऐसी लड़के होते हैं सारी रात मस्टैंग में घूमते, सुबह कहते हैं आई एम हैविंग हेडेक। मैंने बता दिया था उनको कि गाइस आई हैड अ मस्टैंग ओवर द वीकेंड एंड आई हैड सो मच फन विद माय फैमिली एंड नाउ आई एम हैविंग अ हेडेक, आई थिंक आई हैड टू मच फन। सो मैंने बता दिया था फिशी सच। तो मेरे मैनेजर कहते नो वर्स केयर टेक इट इजी, सो आई एम टेकिंग इट इजी बट आई कांट टेक इट टू इजी, आई कांट स्लीप। भाई तो तेरे को पता मेरे साल की, वैसे तो साल खत्म होने वाला है, मैं टेंशन हो रही थी, मेरे को पूरे साल में 5 sick days मिलते हैं सिर्फ, और 4 यूज कर चुकी हूँ, 1 रह गया। अब 4 महीने में सिर्फ 1 sick day कैसे करेगा कुकू सर्वाइव। हो फिश इतनी कंपनी में काम करते तो भी इसको 5 मिलते हैं गाइस, पहले बहुत होते थे, फिर लोग ना नाजायज फायदा उठाने लग गए। मार्केटिंग 12 देती है अपने एम्प्लॉइज को। हां 12 देते तुम, और वीकेंड भी ऑफ, वीकेंड भी ऑफ, महीने की 1 सिकड़े और दिवाली की छुट्टियां भी देती है। हमारी क्रिसमस की होती है वैसे तो, और क्रिसमस की भी तुम देते हो। और मुझे पता है तुम गांधी जयंती की भी देते हो, तुम सारे गुरपुर वगैरह सबके देते हो, मुझे पता है तुम काफी छुट्टियां देते हो, हमें भी मिलती है लॉन्ग वीकेंड वगैरह आता रहता है, बट यार 5 सिकड़े क्या होता है यार, क्या होता है 5 सिकड़े। दोस्तों आज फिशी सोते सोते आपको एंटरटेन करेगा, सोते सोते तो जो करना है ना तो कर, ये मेरी छाती पे तांडव मत कर। देख मेरे को तो किसी को रिपोर्ट नहीं देनी ना। हाँ मेरे को देनी तूने, तू कट पूंजी है तो एक काम कर मेरे से जादू की झप्पी ले पहले इधर। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये अच्छी बात है बुरी, बट मुझे काफी आदत होगी इस गाड़ी की गाइस, और मुझे लग रहा है कोलैबोरेशन महंगी पड़ जाएगी क्योंकि मेरा और कीरत का बहुत ज्यादा लेने का दिल कर रहा है। एक बार ही लास्ट टाइम आपको इसका स्टेयरिंग दिखा देता हूँ गाइस, नेक्स्ट लेवल, लव द इंजन लव द राइड। गाइस हम दे रहे हैं मस्टैंग वापस, गाइस आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल, बट थैंक्स टू पार्थ, इसने 2 दिन के लिए बहुत एंजॉय करवाया मुझे। पार्थ को सपोर्ट करती है ना तो शी हैज अ रीजन टू कम इन दिस व्लॉग। वेल आई थिंक गरिमा ने व्लॉग स्टार्ट किया। हां गरिमा ने स्टार्ट किया, लाइक शी यू गॉट टू गो, थैंक यू बेटा, गरिमा की वजह से मस्टैंग मिली हमें, गरिमा की वजह से।
लव द कोलैबोरेशन. पार्क का नंबर मैं फिर से यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा. यू वांट कार्स कॉन्टैक्ट पार्क मेन लाइन मोटर्स. दोस्तों हम आ गए हैं अपनी गाड़ी में वापस. आज तो डायलॉग क्योंकि तू मार ही दे अपना. कौन सा? लौट के बुद्धू घर को आए. बट गाइस कार काफी हल्की लग रही है ये और स्मूथ लग रही है. काफी स्मूथ है गाइस. इको फ्रेंडली. एक बार पेट्रोल डलवाओ चलता ही रहता. इट हैज सनरूफ पीछे. सनरूफ है. इट हैज हीटेड सीट्स पीछे. हीटेड सीट्स. इट हैज कार प्ले पीछे. एप्पल कार प्ले सब कुछ है. दोस्तों आज तो ऑफिशियली इतनी बुरी हालत हुई भी है और मैं सच बता रहा हूँ मैं तो फिर एक डेढ़ दो घंटा और सो गया. कीरत तब से लगी हुई है पागलों की तरह काम करे. मैं इसको बोल रहा हूँ सो जा रेस्ट कर ले. मैडम कर नहीं रही. मैडम फुल पता नहीं कौन से प्रेशर में काम कर रही है. बट साथ ही साथ मैं कुकू को और प्रेशर कर रहा हूँ क्योंकि कल परसों गाइस कीरत ने मेरे फोन का कवर तोड़ा था. तो मैंने अलमारी से नया कवर तो निकाल दिया है. तो मैं इसको कह रहा हूँ कि स्क्रीन गार्ड लगा ले. वो भी मैंने निकाल दिया. मैंने नहीं तोड़ा है इसने. मैं स्क्रीन गार्ड खुद लगा नहीं सकता तो कुकू लगा देगी गाइस. चलो लगाओ मेरा स्क्रीन गार्ड. दोस्तों इधर आया मोबाइल टेक्नीशियन. हम स्क्रीन गार्ड रिप्लेस करेंगे आज. जनाब का स्क्रीन गार्ड अच्छा भला है. वैसे तो एक क्रैक आ गया था उसकी वजह से कह रहे चेंज ही. अपनी हमारा क्या जा रहा है. हम तो पैसा कमाएगा. अमीर बनते हैं किरण. पैसा कमाएगा हम. बाबू पहले अल्कोहल वाइप से. यू डोंट टेल कुकू व्हाट टू डू और नॉट. गाइस अगर मैं ये लगा सकता होता ना खुद तो मैं इसकी बिल्कुल ना सुनता. मेरे से लगेगा नहीं. मैं लगा इधर रहूंगा लग उधर जाएगा. यस डोंट टेल कुकू. अल्कोहल वाइप से क्लीन कर. प्रॉपर परफेक्शन. If you want to change your screen guard, contact Kuku. अगर वो skins बेच सकता है तो मैं screen guard क्यों नहीं लगा सकती? बिडू ये है dust absorber. थोड़े से अगर फिर भी दिख रहे हैं आपको. ये क्या? Oops. तो इससे भी देख सकते हैं कि ठीक लगा कि नहीं. ये से ऊपर डाल के. सारे दिमाग वाले कम फैंस दसदा. सब कुछ ही फैंस दसदा. सब कुछ. मैं क्या चन्ना भी मैंने फैंस नहीं सिखाया. वो तो आप करें. मैंने तुरना सिखाया. बिल्कुल सही है. लव यू भैया जी. कुकू के पास ही आना स्क्रीन गार्ड लगवाने गाइस. अभी जल्दी कुकू अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा. दोस्तों मैंने नैप ले लिया था एंड मम्मा मेरे को कहते मैगी खानी है मुझको. मम्मा ने आज तक मैगी नहीं बनाई. कहते ये ही बच्चे बनाते होते थे और उन्होंने कभी नहीं बनाई. इतनी मतलब कि आसान है मैगी बनानी. बट शी इज लाइक मैं मैगी नहीं बनाऊंगी ये तुम बनाओ. So I'm gonna make Maggie for Mama. Mama को मैगी में चाहिए ढेर ढेर सारे कॉर्न्स. मैंने कहा मम्मा आप मैगी नहीं खा रहे आप मसाला कॉर्न्स खा रहे हैं. बस इसमें मैगी एक एक्स्ट्रा वो है. रेडी. इतनी ज्यादा तुसी तो क्या सी. इतनी ज्यादा नहीं चाहिए थोड़ी. तू भी खा. चुप करके खाओ. तड़ी है. दोस्तों हस्बैंड का एक और फायदा मैं आपको बता देना चाहती हूँ. तो मैं जिम के लिए रेडी हो रही थी एंड आई वाज लाइक ओके. मैंने पहन ली अपनी लेगिंग. फिर मैं सोची क्या पहनूं ऊपर कौन सी टी शर्ट पहनूं. अपने कवर काफ़ी ढूंढी काफ़ी ऐसे मैंने करा क्या पहनूं. और उसके बाद फिर मैंने को होगा लेट्स वेयर फिशेस टी शर्ट खुली खुली. अभी आप उसका रिएक्शन देखना जब वो देखेगा कि मैंने उसकी टी शर्ट पहनी है. This is not for teacher. Stop wearing my t-shirt for God's sake. Guys, ये इतने भी नए कपड़े लेके आई है जिम के लिए. उसके भी मेरे कपड़े पहन के जाती है. ये जो तेरे कपड़े में ऐसे लूज में. अभी कुकु फिट नहीं ना हुआ. जब वो फिट हो जाएगा तब पहनेगा अपने कपड़े. वेट कर रहा है मैं वेट कर रहा है मैं अपने कपड़ों में फिट हो जाऊँ. और फिर किद्दा लादा कुकु ना जिम जाके. बस ठीक है. कुकु के जिम में वो भी. Guys, बोलने वाली बातें होती हैं कि Mustang बहुत अमेजिंग है. ये अपनी गाड़ी में बहुत उतना ही मजा आ रहा है. सेक्सी थी यार. मैं मतलब बता भी नहीं सकता. ये देखो इसमें सारे शीशे खुले छोड़े हैं. कहता है I want to take the feel के वो कन्वर्टेबल गाड़ी में जा रहे हैं. इसने आज सनरूफ भी खोल लिया इसकी. आज तक नहीं खोली. गैस चल ठंड लग रही है. बंद कर दो. मस्टैंग की रोड प्रेजेंस तो बहुत तगड़ी है यार. रोड प्रेजेंस इसी को लग रही है.
चल मेरे को भी फील हुई। दूर से आके लोग दूसरी स्ट्रीट से बोल रहे हैं, योके ब्रो योके बड़ा भाव मिलता उसमें। इलेक्ट्रो में तो आज तक नहीं मिला। गोरी इसको भाव दे रही, ऐसे स्माइल पास कर रही, इसको जाए नहीं। मैं खड़ी देख रही, मैं ना इट्स नॉट अबाउट द कार गाइस, इट्स द पर्क्स दैट यू गेट विद द कार। मतलब के इसको पूरी फील आ रही थी। वो कौन सा शो था फ्रेंड्स में, एक एपिसोड होता है जब जोई को ना पोर्श की, इट्स पोर्शा, पोर्शा की चाबी मिल जाती है गाइस, तो ना उसको सारे भाव देने लग जाते हैं। फिर जिसकी होती है वो लेके चला जाता है। फिर बेचारा क्या करता है, डब्बों से ना बना लेता है और ऊपर पोर्शा का कवर डाल देता है। हाँ। फिर ऐसे ऐसे करता रहता है, इट्स माय, इट्स स्लीपिंग। देखो 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 देखो, वाह तालियां तालियां। यही मिस्टेक होती तो आता ना, क्योंकि इसमें पता है तू बचेगा, उसमें तो बचता ना। होमलेस भाई ग्रीन लाइट हुई बीच में चलते हुए आ रहे सर करते हुए। बट मैं सारी बातें फिर भी एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मैंने तो फिर भी कम कहा है गाइस कि मस्टैंग ले लेते हैं, इसने इतना कहा है, इसने या आप क्या क्या कुछ नहीं बोलती, ले ही लेते हैं फूफू। कुकू फ्रॉम हार्ट इज व्हाट जट, तेरे लिए मस्टैंग ले ली, डू यू नो। बाय द वे आप लोगों को हमें थैंक यू बोलना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें बहुत ही बड़े लेवल की एक स्पॉन्सरशिप आई थी, बट वो हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए ठीक नहीं लगी मुझे, तो मैंने मना कर दिया। इतने सारे पैसों को मैंने कहा बाय, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में भी मत याद रखना, क्योंकि मैं वो कोई चीज नहीं कर सकता ना जिससे मेरे को लगे कि यार देयर इज समथिंग फिशी और मेरे सब्सक्राइबर्स को उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना हम प्रॉमिस कर रहे हैं। क्योंकि मोहब्बत टू वे होनी चाहिए गाइस, आप हमें करते हो, मैं भी तो आपको करता हूँ। देखो और एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ, आप कहीं ऐसे मतलब के हम आपको बोलते हैं कि कमेंट करो है ना, एंड उससे क्या मतलब होता है? देखो हम मतलब के अपना एंटरटेनमेंट कह लो, अपना मतलब के अपनी लाइफ ब्लॉगिंग पूरा कर रहे हैं, कैमरा उठा रहे हैं, है ना, एंड बदले में हम आपसे क्या ले रहे हैं? हम आपसे बस एक कमेंट चाह रहे हैं। और उस कमेंट का मतलब क्या है? शेयर चाह रहे हैं। उस कमेंट का मतलब है शाबाशी। हाँ। कि आप हमें प्यार से थपकी दे रहे हो और आप कह रहे हो फूफू कुकू ये व्लॉग देख के ना मजा आया, अंदर से फील आता है कि हाँ यार चल सही है, इसमें अच्छा किया कुछ। सो आप इमेजिन करो कि आपने कोई खाना बनाया हो, लाइक फीमेल्स कैन अंडरस्टैंड कि आपने कोई खाना बनाया हो, मेल्स कैन अंडरस्टैंड इट टू, फीमेल्स खाना, मेरा मेल कैन अंडरस्टैंड बिकॉज ही कुक, और जो भी मेल कुक करते हैं या फिर कोई भी काम करते हो वो आपका काम तो है ही है, ठीक है ना, एंड वेदर इट इज क्लीनिंग योर रूम यू एनी वे हैव टू डू इट। तो गाइस बट अब ऐसा होता है ना कि यार थोड़ा सा ऐसे बोल दे यार अच्छा लग रहा है आज रूम है, या फिर खाना अच्छा बना है ना, तो वो ही एक कमेंट है हमारे लिए। और इससे आपको ही फायदा है, मैं आपको बताता हूँ, इससे आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे। मान लो आप रिलेशनशिप में गए, कितने लोग हमारा ब्लॉग देख के कहते हैं कि हमें रिलेशनशिप में जाना है। हाँ। मैं कर लूं मैं ब्लॉग, थैंक्स। ये बाबू ये बंदी कर लेंगे ना, कर लेंगे बातें करना जरूरी है। तो मानो आप कभी रिलेशनशिप में जाते हो, उसके बाद आपके ही कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगे, आप कैसे रोमांटिक लंबे लंबे मैसेज भेजोगे। यहाँ पे वन साइडेड लव नहीं करना, हमारे साथ करो, हम आपके मैसेज पढ़ के कम से कम उस पर दिल बनाएंगे। लोग कहते हैं कि रिप्लाई नहीं करते, भाई करते हैं रिप्लाई, जब हम रिप्लाई करते तब आप ऑनलाइन ही नहीं होते, हम चले जाते हैं। हम मतलब कि हार्ट तो जरूर बनाते हैं, मैं जब मैं तो कह रहा हूँ सबके लिए हुड़े के हुड़े हार्ट 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 हार्ट। और गाइस एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो एनर्जी इसलिए क्योंकि प्री वर्कआउट पियो, चलो अंदर चलते हैं। मेरे में तो वैसे ही है कुकू, नो प्री वर्कआउट गाइस, कुकू इज ऑन वाटर गाइस। चलती फिरती निमोनिया यार, इधर चल रही, यहाँ से पीछे गाड़ी आ रही, दूर थी, मैंने आराम से हल्के से कहा लेफ्ट पुश कर दी। ओ ये लो निमोनिया, दैट्स अगेन मेड फॉर ईच अदर, चल कुकू कम। अगर कोई स्टूडेंट है जो कनाडा आया मेरे जैसा और ऐसे वाले वाटर कूलर होते हैं, उसको ये आज तक ये नहीं समझ में आया, उससे नीचे भी झुक के देखे कि बटन कहाँ पे है, तो घबराना नहीं गाइस, आज मुझे पता लग गया है ये है। तो मेरी तरह कोई कंफ्यूज ना रहे, मेरी बीवी ने मुझे सिखा दिया। छोड़ो मैडम मुझे सेल सिखा रही है आज। हाँ, 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 कुछ तो सीखते ही है ना फिर बंदा। आजकल कुकू क्या कॉम्प्लीमेंट मिलता है? आई चॉकलेट फाशू। मैं जो जो इसको समझाता हूँ आगे जाके ज्ञान चेप देती है। टीचर से बंदा सीखता ही है ना गाइस। आई लव यू कुकू, आई लव यू।